हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए तो पार्ट वन से चीज़ें आ जाएंगी। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आने से पहले आपको एनसीईआरटी भी आनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी अभी तक आपने नहीं पढ़ी बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ क्लिक करिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, शो दैट 12 टू द पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जैसे कि मान लीजिए हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, जैसे हमने 55 लिया, ठीक है, और हमने 50 लिया, फिर हमने लेट अस से 700 लिया, ठीक है, 710 लिया, ठीक है, हमने 80 लिया, हमने 85 लिया। तो इन नंबर्स को देखो, ये किससे एंड हो रहे हैं, या तो 5 से और का मतलब या जीरो से या फाइव से, ठीक, फाइव से या जीरो से या फाइव से, इस तरीके से, ठीक है। तो इन नंबर्स में खासियत क्या है, इन नंबर्स में खासियत अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करें, ठीक है, तो इसमें फाइव ज़रूर आएगा, तभी तो डिविजिबल बाय फाइव होंगे। तो द नंबर विच एंड्स विद द डिजिट जीरो और फाइव, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय फाइव, सो इट कंटेन फाइव एज अ प्राइम फैक्टर। ओके, तो ये सब बातें पहले आप लिखोगे एग्जाम में, और फिर 12 टू द पावर एन के आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 12 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमने यहाँ पे 12 को ऐसे लिखा और पावर n इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 12 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 12 टू द पावर n, ये n इसको मिलेगा, इसको भी और इसको भी, तो 2 × 2 × 3 × n। तो आपने क्या देखा, 12 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 12 की पावर n में 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए 12 टू द पावर n कभी भी 0 या 5 से एंड नहीं होगा। अब आप देख भी सकते हो, मैं आपको फील भी करा सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। n क्या था बताइए, नेचुरल नंबर था, ठीक है ना। तो n की वैल्यू अगर मैं कितनी लूँ, 1, तो 12 की पावर 1, 12, ये 0 या 5 से एंड नहीं हो रहा है। फिर n की वैल्यू 2 लो, तो n की वैल्यू अगर 2 लोगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ये भी नहीं एंड हो रहा है। इसी तरीके से आप 12 की पावर 3 यानी कि 12 × 12 × 12 करके निकालेंगे तब भी नहीं आएगा। तो ये सब नहीं करके दिखाना आपको, बस इतनी सी बात आपको बतानी है, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले आपको SCF और LCM में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का मतलब होता है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये तो फुल फॉर्म है इसके, इसको फील हम कैसे करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, मान लो दो नंबर हमको दिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले तो क्या सर्च करो, ऐसा नंबर सर्च करो जो दोनों नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, ठीक है, और वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करो, सॉरी जीरो से करो, वन से काउंटिंग। मान लो हमारे पास दो नंबर है, कुछ भी है, कोई भी दो नंबर है, लेट अस से ए और बी, ये दो नंबर है, ठीक है। तो हम वन से काउंट, SCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का SCF निकालने के लिए हम वन से काउंटिंग करेंगे और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो। बात समझिएगा जरा, देखिए SCF निकालते टाइम हमने क्या किया, वन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो, ठीक है ना। ये तो बताने का तरीका, SCF कैसे निकालते हैं वो तो हमको पता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, SCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वन से काउंटिंग स्टार्ट करिए, वो नंबर ढूंढिए जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो, ठीक। और LCM का क्या मतलब होता है, LCM का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर है, ए और बी, इसका LCM निकालना है, ठीक। तो अब वन से काउंटिंग स्टार्ट करिए और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढिए जिसको ये भी डिवाइड करता हो और ये भी डिवाइड करता हो। अंतर समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रही है डिफरेंस, हाँ, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए SCF में क्या होता है, वन से काउंटिंग स्टार्ट करके वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता हो, लेकिन यहाँ उल्टा है, वन से काउंटिंग स्टार्ट करके वो नंबर ढूंढना है जिसको ये भी डिवाइड करता हो और ये भी डिवाइड करता हो, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में अंतर है, ठीक है, ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, देखिए मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लीजिए ये एक लंबाई है, ठीक है, और इसके हमने टुकड़े कर दिए कितने, 1, 2 और 3,
और 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, और 6, इसके हमने 6 टुकड़े कर दिए, 6 भाग हमने इसके कर दिए ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, हमारे पास है एक लेंथ इतनी बड़ी है ठीक, और एक लेंथ इतनी बड़ी है, ये लेंथ है और एक हमारे पास ये लेंथ है ठीक। तो ये लेंथ कितनी यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है, 2, और ये लेंथ कितनी दिखाई पड़ रही है, देखिए 1, 2, 3 यूनिट, और ये कितनी दिखाई पड़ रही है, 6 यूनिट। अब देखिए, अगर मैं बोलूं, ध्यान से चेक करिएगा, अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो लेंथ है इस बड़े वाले रास्ते पे कितनी बार रखने पे कवर कर लेगी, 3 टाइम्स, कैसे, इसको उठा के एक बार यहां रखोगे, फिर पलट के रखोगे, फिर पलट के ऐसे रखोगे, तो ये फिर ऐसे पलटा यहां आ जाएगी, फिर ऐसे पलटा यहां आ जाएगी, मतलब ये वाली लेंथ इस लंबाई को 3 बार में कवर कर जाएगी ठीक है, और ये वाली लेंथ इस लंबाई को 2 बार में कवर कर जाएगी, ये तो आपको क्लियर होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो नंबर है, 2 और 3 ठीक है, 2 और 3, आप मुझे बताओ क्या एलसीएम बताओ किसका, 2 और 3 का, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जिसको ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे। तो देखिए, हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 को क्या 2 डिवाइड कर देता है, नहीं, फिर 2 को क्या 2 डिवाइड कर देता, हाँ, लेकिन 3 नहीं करता, तो 2 भी छूट जाएगा, 3 को 3 डिवाइड कर देता है पर 2 नहीं कर पाता है, छूट जाएगा, 4 को 2 डिवाइड कर देता है पर 3 नहीं करता है, 5 को कोई नहीं करता है दोनों में से। अब 6 देखिए, ये बस आ गया, आगे नहीं लेंगे हम, 6 एक ऐसा नंबर है जिस, मतलब 1 से काउंटिंग स्टार्ट करने पे 6 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसको 2 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और 3 भी, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, यही क्या है एलसीएम है। वैसे तो एलसीएम निकालने का ये डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊंगा, पर आपको मीनिंग समझ में आया एलसीएम निकालने का, कोई डाउट है? अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब क्लियर हो जाएगा हमको क्वेश्चन, ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम, तो ये नहीं समझ आता एलसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। समझ रहे हो कि एक बंदा जब कदम ऐसे आगे बढ़ाता है तो उसका कदम कितनी दूर तक जाता है, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तक, दूसरे बंदे का 42 सेंटीमीटर तक और तीसरे बंदे का 45 सेंटीमीटर तक ठीक है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, मान लीजिए तीनों बंदे यहां से चलते हैं, इस पॉइंट से तीनों बंदे चलना शुरू करते हैं, तो भाई ध्यान से चेक करो, पहला बंदा कदम रखेगा उसका 40 पे पड़ेगा, दूसरा बंदा कदम रखेगा उसका कहाँ पड़ेगा 42 पे, और तीसरा बंदा कदम रखेगा उसका 45 पे पड़ेगा, फिर लोग चलना शुरू करेंगे, ये फिर ये वाला बंदा जब चलेगा अगले पल तो 40 सेंटीमीटर पे उसका कदम पड़ेगा, इसका 42 पे, इसका 45 पे, इस तरीके से करते करते क्या ये कहीं पे मिलेंगे, क्या ये कहीं पे मिलेंगे? तो आप खुद दिमाग लगाओ, ये चलते 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 उस पॉइंट पे मिलेंगे कि आपको मन में ऐसा फील होना चाहिए कि आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और वो नंबर ढूंढना है जिस नंबर को ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे और ये भी डिवाइड कर दे। नहीं बात समझ में? हाँ बताओ, मैं ये क्यों सोच रहा हूं कि वो नंबर मिल जाए जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे, क्योंकि भाई सोचो ना कि अगर तीनों उस नंबर को डिवाइड कर देंगे तभी तो इनके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कुछ भी आगे पीछे कोई नहीं होगा, एग्जैक्टली एकदम सही पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है ठीक है, कोई डाउट है बताइए? तो इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब हम वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढने जा रहे हैं जिस नंबर को ये भी डिवाइड कर दे, ये भी और ये भी ठीक। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे, पहले आंसर देंगे और फिर अभी हम आपको इस पर कमेंट करके बताते हैं, कुछ और भी हम इस पर कमेंट करेंगे, तो ये डायग्राम हम बने रहने देते हैं ठीक। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं, किसका बताइए, 40 का, 42 का और 45 का ठीक। अब देखिए, एलसीएम का डेफिनेशन हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर ठीक है। किसका प्रोडक्ट लेना था हमें, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। चलिए 40 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, पहले 40 के प्राइम फैक्टर करिए, आते हैं करने, कैसे करेंगे, 2 ये 20 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 into 2 into 2 का मतलब 2 की पावर 3, सही है ना, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 1। अब 42 का करते हैं हम, तो अगर हम 42 का करें प्राइम फैक्टर, तो 2 2 ज़ा 1 ज़ा 3, इसको प्राइम फैक्टर निकालना बोलते हैं ना, 7 1 ज़ा, तो 2 into 3 यानी कि 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 7 की पावर
वन, ठीक। फिर 45 की अगर हम बात करें तो 45 के यदि हम प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 3, ये 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 फाइव ज़ा, फिर 5 वन ज़ा, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, मीन्स एलसीएम ऑफ 40, 42, 45, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, क्या डेफिनेशन थी, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब आपको हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर ढूंढनी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कितने तरीके के प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, पहले तो ये देखो, सुनो एक बात बताऊं, एलसीएम निकालते टाइम ना, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 एक प्राइम फैक्टर है, तो 7 यहाँ चाहे आता हो चाहे ना आता हो, लेना है आपको, पता है कैसे, देखो क्योंकि हम यहाँ इंटू 7 की पावर 0 तो कर सकते हैं ना, कि 7 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है, ठीक। ये हमने आपको एनसीईआरटी में बताया, यहाँ पे भी हम 7 की पावर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, प्राइम क्या लेना है बताइए, प्रोडक्ट लेना है किसका, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं, पहला प्राइम फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको, 2। अब तीनों में देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, ये है 2 की पावर 3, भाई ग्रेटेस्ट पावर तो 3 है ना, बाकी यहाँ तो 2 की पावर 1 है और यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा यहाँ जब 2 नहीं आपको दिख रहा है तो आप क्या लिख लोगे, 2 की पावर 0। तो तीनों में से पहला प्राइम फैक्टर क्या था, 2 था, और 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 ये ले लिया। अब इसका प्रोडक्ट लगाना है बाकी बचे हुए ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स के साथ। तो 2 के बाद बारी आएगी 3 की, अब देखिए 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, हाँ 3 की पावर 2 ले लिया हमने, बहुत बढ़िया। अब बताइए नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, 5 की है ना, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 लिख लो, क्या हो गया, 5 की पावर 0 1 ही तो होता है, तो बताओ 5 की हाईएस्ट पावर कितनी पॉसिबल है, 5 की पावर 1 यहाँ भी, 5 की पावर 1 भी है, तो 5 की पावर 1 ही यहाँ हाईएस्ट पावर है, ठीक। इसके बाद बताइए 7 की बारी आएगी, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी पॉसिबल है, 7 की पावर 1 पॉसिबल है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, इन टू 5 की पावर 1 कितना होता है, 5, और 7 की पावर 1 7, ठीक है। तो 8 9 जा कितना होगा आपका, 72 इन टू 5 7 जा कितना होगा, 35। तो सॉल्व अगर हम इसको करें, 72 इन टू 35, तो 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36 इन टू 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है, 12 1 4 प्लस 1 5 2 5 2 0 कितना आ रहा है, 2520 क्या, सेंटीमीटर, बात समझ रहे हो, यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। तो पता है मैं यही आपको बताना चाहता हूं, पता है क्या, कि आप दिमाग लगाइए, ये जो लेंथ होगी ना पूरी, ये लेंथ कितनी होगी, 2520 सेंटीमीटर, यही मैं आपको कमेंट करना चाहता था। आप थोड़ा सा प्लीज फील करिए, मैं जरा अपना कैलकुलेटर उठा लेता हूं, हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया कि भाई जो इनिशियल पॉइंट है वहां से जब तीनों बंदे कहां पे पहुंचेंगे, 2520 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है ना। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है कि हर एक बंदा कंप्लीट स्टेप रख के वहां पहुंच जाए, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 2520 सेंटीमीटर। अब अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, आंसर वांसर सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फील करो, पता कैसे फील करोगे, देखो मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था कि ये तीनों नंबर के एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, तो करी 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 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 कहां पहुंच गए, 2520 पे। तो ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जिसको ये भी डिवाइड करेगा, ये भी और ये भी, ठीक है। अब क्या हम काउंटिंग करने बैठ जाएंगे, 1 से काउंट करेंगे और तीनों से डिवाइड कर करके चेक करेंगे, नहीं 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 नहीं, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, मीनिंग इसका ये है कि 1 से काउंटिंग करो, वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जिसको ये तीनों डिवाइड करते हो। आइए जरा मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं, चलिए अभी एक क्वेश्चन और क्लियर होगा। तो 2520 को 25, क्या ये काम आपको एग्जाम में करना है, नहीं, मैं आपको करके फील करा रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत हो, ठीक है। 2520 आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि एलसीएम निकालना है कि एससीएफ, ठीक है। डिवाइडेड बाय 40, देखिए 63 आ गया, 63 आ गया, यानी कि जो पहला बंदा था वो कितने कदम रख के यहां पहुंचेगा, 63। अब बात समझ में आई भाई, कुछ समझो ना, 40 इंटू 63, तो एक बार कदम रखता है तो 42, तो 63 बार कदम रखेगा तो, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2520 मतलब वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहला बंदा जो है, सपोज पहला बंदा जो है वो 63 स्टेप्स रख के यहाँ पहुँचेगा, बात समझ में, ठीक। अभी आपको दिखाते दूसरा बंदा, 2520 डिवाइडेड बाय 42, हाँ देखिए दूसरा बंदा 2520 को मैंने जब डिवाइड किया है आपका किससे, 42 से, तो मेरा कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 60, यानी कि दूसरा बंदा जो है वो कितने कदम रख के यहाँ पहुँच जाएगा इस लेंथ पे, 2520 पे,
60 स्टेप तक के पहुंचेगा। और आप खुद दिमाग लगाइए, जब दूसरा बंदा लंबे लंबे कदम रख रहा है तो कम स्टेप में पहुंच जाएगा वहां पर, है ना, उसके कदम लंबे हैं दूसरे वाले के 2 सेंटीमीटर लंबे, अब तीसरे वाले के तो थोड़े से और लंबे, यानी कि तीसरे वाला और कम स्टेप लेके उसी लेंथ पे पहुंच जाएगा। तो आइए जरा चेक करते हैं, तो 2520 डिवाइडेड बाय व्हाट, 45, ठीक है, तो 2520 डिवाइडेड बाय 45, तो मुझको आंसर जो मिल रहा है 56, यानी कि तीसरा बंदा जो है वो 56 स्टेप रख के यहाँ पर पहुँचेगा। अब बात आपको समझ में आई कि हमने एलसीएम क्यों निकाला, हमें वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, 40, 42 और 45 से, कोई डाउट है? तो इस तरह अब समझ में आई कि हमने एलसीएम क्यों निकाला, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे ही नहीं समझ पाते एसएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। हाँ, एग्जाम में आपको जो मैंने ये निकाल के दिखाया है ना, ये भी एग्जाम में 1 मार्क्स इसमें बढ़ा के क्वेश्चन आ सकता है। पता है बाद में क्या पूछ लेगा वो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय ईच पर्सन। तो पहला पर्सन 63 स्टेप रख के पहुंचेगा, दूसरा 60 स्टेप्स और तीसरा 56 स्टेप्स। कोई डाउट है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 257 अपॉन 5000 इन द फॉर्म ऑफ 2m इनटू 5m, एंड वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, हेंस राइट इट डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, सबको आता होगा, एनसीईआरटी का ही टाइप का क्वेश्चन है। तो 257 अपॉन 5000, तो 5000 क्या ये प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, और प्राइम फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि देखिए सिंपली 257 अपॉन 5000 को हम लोग 5 × 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। फिर इसको हम लिख सकते हैं 257 अपॉन 5 × 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3। कोई डाउट है, बताइए, 10 की होल पावर 3, बिकॉज 10 × 10 × 10 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 257 अपॉन 5 × अब ये जो अंदर 10 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, 2 × 5 की होल पावर 3। कोई डाउट है, बताइए भाई। देखिए इस पे ध्यान देना आपको, अंदर हमने 10 लिख के जानबूझ के ब्रैकेट लगा के तब पावर चढ़ाई, हमने ऐसा नहीं लिखा 10 की पावर 3, क्यों, क्योंकि ये अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है इसकी होल पावर 3 है, तो इस क्वांटिटी 10 की जगह हम 2 × 5 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस पूरे पे पावर कितनी होगी, 3। अब देखिए ये पावर 2 को भी मिलेगी और 3 को भी, तो हो जाएगा आपके पास 257 अपॉन 5। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आगे 5 लिखा है तो इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है, इनटू, अब देखो ये पावर 2 को भी मिलेगी तो 2 की पावर 3 इनटू 5 की पावर 3। अब ध्यान से चेक करिए, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 257 अपॉन 5 to the power 4 इनटू 2 to the power 3, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कौन से फॉर्म का आ गया, 5 to the power 2 to the power m into 5 to the power n type का। अब हमको इसको टर्मिनेट करके भी दिखाना है, हमने पढ़ा था जिसका डिनोमिनेटर q, जिस रैशनल नंबर का q 2 to the power m into 5 to the power n type का होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, सही है, तो इसका भी होगा। लेकिन हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया था कि 5 की पावर और 2 की पावर सेम होनी चाहिए, याद है आपको, तो यहाँ तो 5 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 1 और चाहिए, और जो चीज़ चाहिए होती है उसी से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 257 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू, ध्यान से चेक करिएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 1 से मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 1 से मैंने डिनोमिनेटर, क्यों, क्योंकि 1 की कमी थी बस, है ना, क्योंकि हमें नीचे 2 की पावर 4 बनाना था, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, और 2 को 257 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 1 2 5 10 प्लस 1 11, 1 2 4 प्लस 1 5 514 आ गया ऊपर, और नीचे ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2 की पावर 4 बेस से में पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ जगह नहीं है, 514 अपॉन, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, हाँ देखिए a की पावर m और इंटू b की पावर m, अगर बेस अलग हो पावर सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू b की होल पावर m, तो यहाँ पे देखिए बेस अलग है और पावर क्या है, सेम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 2 की होल पावर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 514 अपॉन 5 to the 10, 10 to the power 4
मीन्स 514 अपॉन 10 टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, 1, 2, 3, 4 जीरो लगेंगे। अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो पीछे से 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि 415, तो 1, 2, 3 डिजिट हो गए, एक जीरो बढ़ा लेंगे और फिर क्या लगा देंगे, पॉइंट, और पॉइंट के आगे फिर से जीरो लगा देंगे। यानी कि ये जो भी नंबर लिखा है अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करो ना, 257 डिवाइडेड बाय 5000, आप करके चेक कर लेना आंसर कितना आएगा, 0.0514। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 257 अपॉन 5000। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज ऑब्वियसली द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स व्हाट, कि जो इंटीजर है ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान से चेक करो, ये तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, कर लो। एक्सरसाइज 1.3 का 14th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम भी बताया है, सुनिए क्या मैं याद दिलाना चाहता हूँ। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हो, ठीक है ना, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हो, अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हो, तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसको एज अ रिजल्ट प्लीज याद कर लीजिए, क्या स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज व्हाट, ई रैशनल नंबर। तो ये आप याद कर लीजिए। एग्जाम्पल दो, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर होता है, इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक प्राइम नंबर है, इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक प्राइम नंबर है, इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट रूट पी एंड रूट क्यू इज इरेशनल, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। अब बात समझ में, यानी कि ये अंदर जो P लिखा है ना ये भी प्राइम है, और Q जो लिखा है ये भी क्या है, प्राइम है। तो हमें एक बात मन में फील हो रही है क्या, कि हाँ भाई ये भी इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल है। और इरेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल ही होता है, लेकिन हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो क्या करेंगे बताइए, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये पूरा क्या है, रेशनल है, ठीक। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल, इज वॉट, रैशनल। अगर इनका सम रैशनल है तो इसको हम किसी रैशनल में ले जाके स्टोर करा दें, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज या लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल्स टू ए, क्या लिखना पड़ेगा आगे बताइए, वेयर ए इज अ, हाँ तो ये आपको जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनके सम को रैशनल बोला है, तो ए क्या होना पड़ेगा, रैशनल। इसकी वैल्यू आपने किसमें स्टोर कराई, ए में। तो वेयर ए इज अ व्हाट, रैशनल नंबर, कोई डाउट है बताइए, ठीक। अब क्या करते थे, अब चाहे आप यहां पर रूट पी की वैल्यू निकाल लो, चाहे रूट क्यू की वैल्यू निकाल के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दो, ठीक। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बस पी और क्यू आ गया, क्या हो गया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, रूट पी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा बताओ, ए माइनस, ये राइट में जाएगा तो ये रूट के सामने वाला साइन कैसा हो जाएगा, माइनस, ए माइनस रूट क्यू। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस रूट क्यू का स्क्वायर। अब हाँ भाई बताइए मुझे, रूट पी का स्क्वायर क्या होगा, पी, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो ये पी आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ए है तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी की जगह ये पूरा जगह, तो 2 इंटू ए 2 ए रूट क्यू, तो 2 ए रूट क्यू और प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है, रूट क्यू, रूट क्यू का स्क्वायर क्या होता है बताइए, क्यू होता है, कोई डाउट है। अब आपको तो पता ही है क्या करेंगे, अब हम इस क्वांटिटी को इधर लेके आएंगे, सही है ना, इस क्वांटिटी को हम इधर लेके आएंगे और इस क्वांटिटी को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक। और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, रूट क्यू की। चलिए कोशिश करते हैं, देखिए ये जो पूरी क्वांटिटी, अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस का साइन चेंज होगा प्लस में, यानी कि 2a रूट क्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ठीक है, प्लस क्यू तो ऐसे ही रहा, सही है। और ये जो p था अभी ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पी, कोई डाउट। हाँ अब हम क्या करेंगे, रूट क्यू को फ्री कर लेते हैं, कैसे फ्री करेंगे,
रूट क्यू के आगे 2a लगाए तो ये 2a मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइडिंग बाय 2a ऑन बोथ साइड, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने इधर भी 2a से डिवाइड लगा दिया और इधर भी 2a से डिवाइड लगा दिया, ये इससे कट गया, रूट क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट क्यू इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 2a। अब ध्यान से चेक करिए जरा, a क्या था बताओ, रैशनल नंबर, तो a का स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है, तो ये हो गया रैशनल। q क्या था, एक प्राइम नंबर था, और हर एक प्राइम नंबर रैशनल नंबर ही तो होता है, हर एक प्राइम नंबर रैशनल नंबर ही तो होता है, जैसे 5 है, 5 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 अपॉन 1, रूट के अंदर अगर 5 हो तो वो ही रैशनल होता है, लेकिन अगर केवल 5 लिखा हो तो रैशनल होता है ना। तो q क्या था, प्राइम था, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था भाई केवल q लिखा है ना, रूट q थोड़ी ना लिखा है, तो q भी क्या हो गया बताओ, रैशनल हो गया, ठीक। फिर केवल p लिखा हुआ है तो ये भी रैशनल हो गया, और आपको पता है रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, और रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, रैशनल, a क्या था, रैशनल, तो 2 इंटू a क्या होगा, रैशनल, तो डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, रैशनल, तो ऊपर भी रैशनल नीचे भी रैशनल, तो रैशनल अपॉन रैशनल क्या होता है, रैशनल ही तो होता है, लेकिन लेफ्ट में क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, q, और q क्या था, प्राइम नंबर, बताओ कभी रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन वन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन वन कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक, वाई, रीजन क्या बताइए, रीजन क्या बताइए, रीजन क्या है, आर एच एस इज राइट हैंड साइड इज व्हाट, रैशनल, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, ठीक है, बट वी नो दैट रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, तो हेंस आर अजम्पशन वॉज, हेंस आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग था, बिकॉज यहां पे आप पहुंचे ही क्यों, क्योंकि आपने ये अजम्पशन किया था, इसका मतलब आपका अजम्पशन गलत था, क्या अजम्पशन किया था आपने, कि ये क्या है, एक रैशनल, इसका मतलब अगर आपका अजम्पशन गलत है तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, देयरफोर या दिस इंप्लाइज रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट क्यू इज व्हाट इज ई रैशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।